गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाय, आई एम नितिन सिंह. वेल गाइस, इस वीडियो में आपसे मैं अपने आईबीपीएस क्लर्क के बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्या स्कोर कार्ड था, कितने मार्क्स से रह गया या कितने मार्क्स से हो गया, सब कुछ बताऊंगा. वीडियो काफी शॉर्ट होगी, काफी अच्छी रहेगी. यदि पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करना. टेलीग्राम ग्रुप है नितिन का निरीक्षण, इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कल से बहुत कुछ चीजें मैं डालूंगा तो आपको वो चीजें मिल जाएगी. बाकी गाइस, सबसे पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिनका आज सिलेक्शन हुआ है. आप लोगों से ज्यादा आपकी फैमिली को, बिकॉज उनके सपोर्ट के कारण आप लोग आज यहां पे हो. मोर इम्पोर्टेंटली, कैसा होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि जैसे बात चल रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में होके भी क्या हो गया हमारा. गाइस, अभी तक आपके पास जॉब भी नहीं थी, आज आपके पास जॉब आ चुकी है. सो चेरिश दिस मोमेंट. बहुत लोग मुझसे पूछे थे भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपना रिजल्ट देखा भी नहीं था. मैंने आज अपने फ्रेंड को बोला था भाई रिजल्ट देख क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए तो भाई मैं जब भी देखता हूं मैं फेल ही हो रहा हूं. एंड गाइस बिलीव मी, व्हेन ही सेड ना बैंक ऑफ इंडिया को मिल गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे वो मतलब क्या बोलू, वर्ड ही नहीं थे यार. मतलब अलग ही लेवल पे खुशी थी. मतलब 12वां मेंस था ये. लास्ट ईयर आधे मार्क्स रह गया था बिकॉज ऑफ सेक्शनल कट ऑफ, मेरे को इंग्लिश का डर था. एंड नाउ मैं सिलेक्ट हो चुका हूं. आई एम सिलेक्टेड, यस गाइस. मैं आपको अपना स्कोर बताता हूं. मैथ्स में मेरे को मिला है 25.75. स्कोर कार्ड आपको डिस्प्ले हो जाएगा. रीजनिंग में 13.75, इंग्लिश में 11 और जीके में 25.75. टोटल मेरा स्कोर बना है 76.25 और बाकी कट ऑफ आपको पता ही है. वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, द ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस रजिस्टर्ड बाय यू, वैकेंसी फर्निश बाय पार्टिसिपेटिंग बैंक फॉर 2021-22, स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट guidelines, administrative exigency, etc. You have been provisionally allotted against vacancies in unreserved category in Bank of India. Guys, इस चीज के लिए ना आई थिंक हर एक एस्पिरेंट वर्क करता है, क्योंकि एक जॉब होती है. लाइक प्राइवेट बैंक एमएनसी में काम करना कोई गलत बात नहीं है, मैंने भी खुद काम किया हूं. बट जो गवर्नमेंट जॉब है ना, उसका नशा अलग ही होता है, उसको हम कभी बदल नहीं सकते. एंड गाइस बिलीव मी, मैंने अपनी मम्मी से मैंने बात की थी, मम्मी मेरा फोन उठा भी नहीं रही. मेरे को एक्चुअली कोरोना हुआ था तो मैं सबसे पहले दादी को ही बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया. एंड दादी ने मेरे को पहले कहा था भाई हार्ट ब्रेक हो जाएगा, भाई तू बैठ है अभी जल्दी से जल्दी पानी पी बैठ के. एंड उसके बाद मैंने मम्मी को बताया एंड मेरी मम्मी लाइक बहुत खुश थी, आज बहुत खुश थी. बाकी गाइस, जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपने मेरा फेलियर भी देख चुके हो और आज मेरी सक्सेस भी देख रहे हो. मैंने अपने फेलियर को कन्वर्ट करके आज सक्सेस में कन्वर्ट किया इसको. गाइस पेशेंस रखो अपने अंदर, मैंने भी वही रखे थे. मैं हर वीडियो के बाद सिर्फ और सिर्फ यही बोलता था, यदि तुम्हारे अंदर वो जुनून है ना करने का, कोई तुम्हें माइका लाल रोक नहीं सकता जॉब से. भगवान भी एक टाइम के बाद आपकी मेहनत के आगे झुक जाता है यार. मेरे रिश्तेदारों ने मुझे क्या नहीं सुनाया, मेरे माता पिता में से मेरी मम्मी थी जिन्हें सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, बट मम्मी का तरफ एक थोड़ा मेरा हमेशा से रहा है, उनने बहुत प्यार दिया है. आज उनके सपोर्ट, मेरी फैमिली के सपोर्ट के कारण ही आज मैं यहां पे हूं. भले ही हम कितना भी YouTube पे वीडियो बना ले, कितने भी हम प्रमोशन ब्रांडिंग कर ले, सब एक तरफ है, बट ये जॉब की अलग ही बात है, इसको कोई नहीं छीन सकता. ये आज जितने भी लोग सिलेक्ट हुए ना, ये हमने अर्न किया है. गाइस, एसबीआई क्लर्क आने वाला है कल से. मैं रेगुलर बेसिस पे टाइम टेबल वीडियो शेड्यूल करूंगा. जिसको लगे फॉलो करना है वो जरूर फॉलो करना, जिसे लगे बकवास कर रहा है कोई इशू नहीं. यदि वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना. फेलियर वीडियो भी आपने देखे हैं आज, एक आज ये सक्सेस वीडियो भी देख लो. अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप नितिन का निरीक्षण, इसको ज्वाइन कर लेना. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम.